मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में एक मंत्री हैं जिनका कल्याण कब होगा ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं रामनिवास रावत की, जो लोकसभा चुनाव 2024 के समय कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उनका कल्याण अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है, जबकि दो बार मंत्री पद की शपथ भी ये ले चुके हैं। अब आपके मन में भी जिज्ञासा जाग रही होगी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देख लीजिए रिपोर्ट में। रामनिवास रावत अभी अभी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। मंत्री तो बन गए हैं लेकिन मंत्रालय नहीं मिला। दो दिन पहले हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट से भी नदारद थी। वैसे ये सब बातें तो आपको पता है, तो हम आज क्यों बता रहे हैं, दरअसल आपकी तरह हमें भी यही जिज्ञासा है कि रामनिवास रावत को कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा। सवाल ये है कि रावत का कल्याण कब होगा। उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिज्ञासा जग ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 1 मई 2024, कांग्रेस से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी के हाथ में आने के बाद नाराज तो थे ही, मुरैना संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा पूरी नहीं होने के बाद पार्टी से मोह भंग हो ही गया था। मतलब यहाँ कांग्रेस में बात नहीं बनी, पहले कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर पार्टी हाईकमान के फैसले पर नाराजगी दिखाकर रावत ने अपने लिए भविष्य की संभावना तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लगा कुछ बड़ा होगा, हालांकि पार्टी में ऐसी अहम जिम्मेदारी मिली नहीं, मतलब यहाँ भी कोई कल्याण नहीं हुआ। हाँ, कांग्रेस से विधायक बने रहे, बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें लगा कि डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, लेकिन उनका नाम लिस्ट में था ही नहीं। 8 जुलाई 2024, आखिरकार 8 जुलाई को उन्हें मोहन मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने शपथ ली, लेकिन यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ हो गई। रामनिवास रावत को 2 बार मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। पहले शपथ लेते समय राज्य मंत्री निकल गया था, इसके चलते दूसरी बार शपथ में मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री बुलवा कर शपथ दिलवाई गई। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विशेष मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में। 10 जुलाई 2024, उधर कांग्रेस ने खूब हल्ला मचाया तो उन्हें विजयपुर की विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। अब विजयपुर में उपचुनाव होंगे। उधर रामनिवास रावत को मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन अब तक उनको कोई विभाग नहीं सौंपा गया, तो रामनिवास रावत का कल्याण होगा, यही जिज्ञासा राजनीतिक पंडितों की है, राजनेताओं की है और मीडिया जगत की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। देखिए, बीजेपी में आए थे, मंत्री भी बन गए और यही जिज्ञासा थी तभी बीजेपी में आए थे, लेकिन इनका सफर कुछ ऐसा रहा कि कांग्रेस में पद नहीं मिला तो बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी ने कहा मंत्री बना देंगे, बीजेपी में आए तो हुआ भी, पद मिला भी या नहीं ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यही वजह रही है कि विधायकी से इस्तीफा नहीं दे रहे थे और जब मंत्री पद मिला तो वहाँ भी गड़बड़ हो गई। अब मंत्री तो बन गए हैं, मोहर भी लग गई है, लेकिन प्रभार का कुछ अभी तक अता पता नहीं।